नमस्कार, डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज के सायकालीन समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मुख्य खबरों के साथ मैं टीना सोनी। करंट ने ली राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान। जैसलमेर में आज मौसम ने ली फिर करवट। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास कर्मचारी ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान जैसलमेर की इकाई ने प्रधानमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने जनसंख्या जागरूकता के प्रचार प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की मशाल को जैसलमेर में विधायक रूपाराम धनदेव ने दिखाई हरी झंडी। अब खबरें विस्तार से। करंट ने ली राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान। जैसलमेर में राष्ट्रीय पक्षी मोर की दर्दनाक मौत से वन्य जीव प्रेमी खासा चिंतित व नाराज नजर आ रहे हैं। जिले के देगरा ओरन से गुजरती हुई हाईटेंशन लाइन से राष्ट्रीय पक्षी मोर के टकरा जाने से उसकी वहीं मौत हो गई। वन्य जीव प्रेमी व ग्रामीणों ने मांग की कि इन बर्ड डाइवर्ट की जांच करवाई जाए व हाई टेंशन लाइट को भूमिगत करवाया जाए। देगरा ओरण के अंदर एक राष्ट्रीय पक्षी मोर की दर्दनाक मौत हुई है। जो 33 केवी लाइन अडानी की विंड पावर की जो जा रही है उसमें ये मोर खत्म हुआ है। जहाँ डाइवर्टर लगे हुए हैं पक्षियों की सुरक्षा के लिए, लेकिन वो डाइवर्टर कुछ काम कार्य नहीं कर रहे हैं और वहाँ एक कील टाइप ऊपर लगे हुए हैं कुछ इन 33 केवी लाइन के खंभों के ऊपर, वो उनसे ये मोर ख़त्म हो जाते हैं और ये करंट से मोर शायद ख़त्म हुआ। लेकिन ऊपर ही बड़ी दुखद घटना ये देख रहा है और उनके एकदम समीप है और आए दिन ये पक्षी खत्म हो रहे हैं। जैसलमेर में आज मौसम ने ली फिर करवट। आज जैसलमेर में मौसम ने फिर रुख बदला। हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम हुआ सुहावना। पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर चल रहा था पर बीते दिन तेज धूप ने गर्मी से किया बुरा हाल व आज हल्की बारिश से लोगों को मिली राहत। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर टीना डाबी को राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन दिया और बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बकाया पोषाहार आपूर्ति राशि का भुगतान किया जाए। 2 साल से अधिक समय से बकाया राशि लंबी चल रही है। अध्यक्ष महिमा भाटिया, विमला सीमा, इंदिरा सीमा भार्गव, राधा भारती आदि उपस्थित रही। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान की जैसलमेर इकाई ने प्रधानमंत्री को दिया ज्ञापन। जैसलमेर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या समाधान अधिनियम संसद से पारित करके लागू कराने संबंधित ज्ञापन। फतेहगढ़ प्रधान जनक सिंह, खूड़ी प्रधान तन सिंह सोडा, कवरा सिंह चौहान, सवाई सिंह गोगली, फलसुन सरपंच रतन सिंह, अरुण पुरोहित, भवानी सिंह आदि शामिल रहे। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने जनसंख्या जागरूकता प्रचार प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बढ़ती जनसंख्या को कम करने के लिए विशेष कार्य करने की आवश्यकता। जिला कलेक्टर टीना डाबी। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन। जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का हुआ विधिवत शुभारंभ। उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों का हुआ सम्मान। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की मशाल को जैसलमेर में विधायक रूपाराम धनदेव ने दिखाई हरी झंडी। खेल प्रतिभाओं का भविष्य उज्ज्वल। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक मशाल यात्रा को शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम में जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज से। नमस्कार।